साथियों नमस्कार। आज के समय में पूरे देश भर में ट्रेनिंग से संबंधित बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है। तो आज हम उपस्थित हैं एसआर कॉमर्शियल गोट फार्म जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर है। तो इस फार्म के ओनर हैं राजप्रीत सिंह जी। यहाँ पे ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं गोट फार्मिंग से संबंधित। तो अपन इनसे जानते हैं कि नेक्स्ट ट्रेनिंग इनके यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है वो कब होने वाली है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपके इस फार्म पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप जो कंडक्ट करवाते हो इसके बारे में आप बताइए, और नेक्स्ट ट्रेनिंग आपके यहाँ कब से स्टार्ट हो रही है। हाँ जी सर, जो यहाँ पे एसआर कमर्शियल गोट फार्म पे 3 दिन की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं हम। पिछले 3 साल से मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं। आज से पहले हम यहाँ 12 बैच हमारे ट्रेनिंग के निकल चुके हैं। जो नेक्स्ट डेट है ट्रेनिंग की वो 11, 12 और 13 अगस्त को ट्रेनिंग हो रही है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग करवाई जाती है वो प्रैक्टिकल वे से करवाई जाती है। जैसा कि हमने ट्रेनिंग CIRG मथुरा में किया, वहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल बकरी पालन के बारे में वहाँ पे जाना कि इसमें कौन कौन सी दिक्कतें प्रॉब्लम आती है, इनको हमने कैसे इसको सॉल्व आउट करना है। तो वही चीज़ हम नए फार्मर को यहाँ पे रख के अपने फार्म पे बताते हैं 3 दिन। देखो हमारी पूरा दिन यहाँ पे क्लास चलती है, 3 दिन क्लास के साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिकली भी फील्ड पे उन सभी फार्मर को सिखाया जाता है कि आपने रखरखाव जानवरों का कैसे करना है, उनके लिए शेड कैसे बनाने हैं, उनके लिए फीडिंग मैनेजमेंट आपने कैसा रखना है, और इनमें जो बीमारियां आती है इनमें वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, उनकी प्रॉपर जो प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे 3 दिन फार्म पे रख के हर फार्मर को दी जाती है। ठीक है, तो फार्मर के रहने खाने और रुकने की व्यवस्था भी आपके यहीं रहती है? हाँ जी, यहीं पे रहती है, क्योंकि अपना जो ट्रेनिंग का जो सेशन है वो पेड है जी। और रहने खाने की सुविधा यहाँ पे ही होती है, अपने फार्म से जस्ट 3 किलोमीटर साइड में ही यहाँ पे करवाई जाती है जी। और दूर से पूरे इंडिया से हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। एक ट्रेनिंग बैच में 40 स्टूडेंट होते हैं, मतलब लिमिटेड सीट्स होती हैं जी। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो अपना सरकारी सर्टिफिकेट भी ट्रेनिंग का हर कैंडिडेट को देते हैं, जो कि आगे किसी ने अब जैसे NLM की स्कीम चली हुई है या फिर और भी कई स्टेट गवर्नमेंट्स की बकरी पालन या फिर और धंधों के ऊपर स्कीमें होती हैं सब्सिडी लोन के लिए। हाँ। तो अगर कोई भी फार्मर आज काम शुरू करके आगे अपने काम को बढ़ाना चाहता है तो उसमें उसको सबसे पहले जो इंक्वायरी होती है बैंक की कि आपके पास कोई ट्रेनिंग का अनुभव सर्टिफिकेट है, तो वो वहां पे अपना जो सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, NSDC के अंडर हमारा जो सेंटर है वो यहाँ पे रजिस्टर है, और उसका सर्टिफिकेट हम सभी को देते हैं, तो ये बिल्कुल वैलिड होता है, आप उसका भी फायदा ले सकते हो और पूरी ट्रेनिंग यहाँ पे 3 दिन रुक के मतलब प्रैक्टिकल सीख सकते हो। तो भाई साहब, जैसे कोई ट्रेनिंग आपके यहाँ से करना चाहता है, आपके फार्म पे कोई विजिट करना चाहता है, आपसे कोई संपर्क करना चाहता है, तो उसके लिए किस तरह से आपसे संपर्क करना होगा? देखिए सर, अगर कोई भी फार्मर हमारे से कोई आके यहाँ पे फार्म पे कोई इंक्वायरी करना चाहता है, कोई नॉलेज लेना चाहता है बकरी पालन की सलाह, तो आप संडे के दिन हमारा फार्म विजिट का रहता है जी। और फार्म विजिट का कोई भी पैसा नहीं लेते, फ्री होता है। आप 1 घंटा हो 2 घंटा हो यहाँ पे तो पूरी नॉलेज आपको यहाँ पे देंगे। संडे को आप कभी भी आ सकते हो। अगर कोई ट्रेनिंग हमारे से करना चाहता है हाँ जी, तो जो नेक्स्ट बैच आपको बताया 11, 12 और 13 अगस्त को जो नेक्स्ट ट्रेनिंग का बैच हो रहा है, तो उसके लिए आप अगर हमारे से संपर्क करना चाहते हो तो ये स्क्रीन पे हमारे नंबर भी आ रहे हैं जी। तो नंबर आप नोट कर लो 9350146903, और दूसरा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9991606387। तो इन नंबरों के ऊपर आप अपना व्हाट्सएप पे आपका आधार कार्ड आपको हमें पहले सेंड करना होगा और उससे आपकी बुकिंग हो जाएगी, तो फिर हम आपको ट्रेनिंग के लिए सीट आपकी बुक कर सकते हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो उसकी पूरी नॉलेज आपको व्हाट्सएप के थ्रू आप इस नंबर पे ले सकते हो। ठीक है साथियों, यदि आपको इनसे संपर्क करना है या ट्रेनिंग करने के लिए आप इच्छुक हैं तो दिए गए नंबरों पे आप कॉन्टेक्ट करके और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवा सकते हैं। तो साथियों, आप जो इन्होंने बताया नेक्स्ट ट्रेनिंग इनके यहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही है अगस्त महीने के अंदर, तो 3 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप इनके यहाँ से ले सकते हो। गोट फार्मिंग के जो की पॉइंट हैं, यानी मैं यूं कहूँ कि गोट फार्मिंग के जो
गुर हैं वो आप इनके यहाँ से ले सकते हो, सीख सकते हो। और जब भी आप नया स्टार्टअप शुरू करते हो तो उससे पहले ट्रेनिंग आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग इस तरह से अनेकों ऐसे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट भी है, चाहे CIRG है या CSWRI है या कृषि और पशुपालन विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र, तमाम तरह के इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं। तो आप ट्रेनिंग लेकर के ही उसके बाद अपना स्टार्टअप शुरू करें तो आपका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। इसी के साथ सभी साथियों का धन्यवाद।